के घने अंधेरे को दूर करने के लिए मां दीप जला रही है। घर तो रोशन हो जाएगा, पर उस गम के अंधेरे का क्या जो उस मां के मन में छाया हुआ है। एक अजीब सी टीस लिए हुए मां कान्हा को देखती है। कान्हा, बेचारा कान्हा। इसमें कान्हा का क्या दोष है? ये तो हमारी नासमझी, हमारा माहौल, हमारी आर्थिक अवस्था या कहें हमारी सोच, ऐसे कई पहलू हैं जिन पर हमें गौर करने की आवश्यकता है। हमारी दूरदर्शिता की कमी से समय पर इलाज ना करवाने का दंड भोग रहा है बेचारा ये कान्हा। उस अपराध का दंड जो उसने किया ही नहीं है। अब हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है, सख्त जरूरत है। हमें खुद को बदलना होगा, कुछ करना होगा, सही दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। ना चाहते हुए भी कान्हा को विद्यालय जाना पड़ा। मानसिक रूप से भिन्नक्षम बच्चों के लिए प्रतिष्ठित उस विद्यालय में बुझे मन से जाना पड़ा। ऐसे बच्चों के लिए यह विद्यालय एक अमूल्य वरदान साबित हुआ है। भुवनेश्वर स्थित यह विद्यालय उड़ीसा एवं अन्य राज्यों से आए ऐसे हजारों विशेष बच्चों में आशा की किरण जगाता है। साथ ही यहां कार्यरत कर्तव्यनिष्ठ माताओं का सानिध्य पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। कुछ आवश्यक दस्तावेजों को देखने के बाद तथा दाखिले के नियमों का पालन करने के बाद विद्यालय ने कान्हा को अपना लिया। नई जगह को पाकर पहले तो कान्हा सहज नहीं हो पा रहा था। कान्हा को सभी के प्यार दुलार अपनेपन ने मानो एक नया जीवन दे दिया।
और कान्हा को साथियों का साथ भाने लगा। अब उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। दोस्तों के साथ खेल कूद हो या चित्रांकन की होड़ या फिर पशु पक्षियों की दुनिया के बारे में जानने का कौतूहल, इन सभी में कान्हा को अपनी खुशियां मिलने लगी। हर बच्चे में नई नई चीजों को जानने की उत्सुकता भरी होती है। इन बच्चों में भी जिज्ञासा की कोई कमी नहीं है। ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों होता है आदि नाना प्रश्न वो अक्सर किया करते हैं। पर बिना विचलित हुए धैर्य और प्यार से उनके हर प्रश्न का समाधान किया जाता है, क्योंकि मन में यह दृढ़ विश्वास है कि एक ना एक दिन ये बच्चे भी अपनी क्षमताओं की कमी को दूर कर ऊंची उड़ान भरेंगे। संगीत में होती है एक जादुई शक्ति, एक अद्भुत आकर्षण। चिकित्सा विज्ञान में भी कई रोगों के उपचार के लिए संगीत का सहारा लिया गया है। कान्हा के जैसे बच्चों के लिए संगीत एक सशक्त भूमिका का निर्वाह करता है। बच्चे अपनी मधुर आवाज में एक साथ एक स्वर में गा उठते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं और हर पल को जीवंत कर देते हैं। उन्हें देख कान्हा का मन भी उत्सुक हो उठा, मन में उमंग जाग उठी, उसके कदम अनायास ही आगे बढ़ चले। एक कदम आगे और आगे, शायद पंछी को अब पंख मिल चुके थे ऊंची, बहुत ऊंची उड़ान भरने के लिए। यहां की शाम की शुरुआत होती है सांध्य प्रार्थना से। फिर कुछ मनोरंजन के लम्हे टेलीविजन के साथ, कुछ बातें उनकी समझ में आती हैं और कुछ नहीं, पर टीवी देखना उन्हें बहुत भाता है। सोने से पहले कुछ हल्का फुल्का खेल भी हो जाता है। फिर कुछ पढ़ाई और फिर एक नए दिन की शुरुआत से पहले आराम की नींद। सूर्य के उदित होते ही चहकते पंछी गाकर उन्हें नींद से जगाते हैं। नित्य कर्म समाप्त कर बच्चे प्रार्थना करते हैं। क्रमशः दिनचर्या की शुरुआत होती है। बच्चे दलों में बढ़ जाते हैं। हर एक दल में होते हैं 8 से 10 बच्चे। हर एक दल की जिम्मेवारी एक गुरु माता की होती है, जो अपने कर्तव्य का निर्वाह बड़ी निष्ठा से करती हैं और बच्चों की हर जरूरत का ध्यान रखती हैं, जो हमेशा साय की तरह उनके साथ ही रहती हैं। कभी कभी कान्हा की माँ कान्हा से मिलने आती है। कान्हा को खुश देख वो भी खुश हो जाती है और उसे दुलार देती है। माँ सोचती है कान्हा कितना खुशनसीब है जो उसको इतनी माँओं का प्यार मिला है, जो उसका इतना ख्याल रखती है।
माँ के मन में ख्याल आता है, अब मेरा कान्हा भी खेल सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, वो तो बिल्कुल ठीक हो गया है। कान्हा के जीवन में आया है एक परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन, चेतना का परिवर्तन, मानसिकता का परिवर्तन, परिवेश का परिवर्तन, सामाजिक संस्कारों का परिवर्तन। एक अच्छा इंसान होने के लिए केवल पढ़ना लिखना ही काफी नहीं है, बल्कि एक अच्छा मनुष्य होने के लिए मनुष्यता का होना आवश्यक है। और एक सफल इंसान की सफलता के पीछे छिपा होता है उसका अनंत प्रयास सफलता को पाने के लिए। कान्हा जैसे बच्चों को एक नई दिशा और दशा देने के अथक प्रयास के कारण ही उन सभी बच्चों के जीवन में आया है एक नया सवेरा, हंसता खेलता नया सवेरा। लहरों की जैसी मतवाले हम हैं, साथ सुरों का सरगम हम तो हैं, बूंदी हंसते कमल की हौसले अपने।